Hi students, this is SAHEB ALI WBRS 2018, and today we will discuss about the current affairs of February 2020. Current affairs बहुत ही ज़्यादा important होता है कोई भी competitive exam में, खास तौर पर WBCS के लिए, क्योंकि इसमें at the same time कुछ polity का parts रहता है, कुछ geography का parts को भी cover करता है और इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा पार्ट को ये कवर करता है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए मैं डायरेक्टली करंट अफेयर्स पे आता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन लिखा हुआ है कि रेसलर दीपक पुनिया वॉन ESPN इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। इस साल दीपक पुनिया को ESPN इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, और सेम अवार्ड जो है फीमेल कैटेगरी में पीवी सिंधु को मिला। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझने का नहीं, सिर्फ इसको याद कर लेना आपको कि ESPN इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल और फीमेल में किसको मिला। उसके बाद दिव्या काकरण बिकेम द सेकेंड इंडियन वीमेन टू वोन अ गोल्ड मेडल एट द रेसलिंग एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप। दिव्या काकरण जो है सेकेंड इंडियन वीमेन बनी है जिनको एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जिन्होंने जीता है। तो आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल जीके में याद रखना होगा कि फर्स्ट कौन थी। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, फर्स्ट जो है नवजोत कौर वॉज द फर्स्ट जिन्होंने ये टाइटल जीता था। उसके बाद हिंदी इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अगर पूरी दुनिया में हम लोग लैंग्वेजेस का बात करेंगे तो हिंदी जो है थर्ड नंबर पर है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। टॉप में है इंग्लिश, जो जैसा कि आपको पता ही है कि इंग्लिश ज़्यादातर मुल्कों में इंग्लिश बोली जाती है, और सेकेंड में जो है वो मैंडरीन एक लैंग्वेज है जो कि चाइना में बोली जाती है। नेक्स्ट और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में हम लोग WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेडली वायरस कोरोना, इसका अभी ऑफिशियल नाम रखा है COVID-19। तो ये आपको पता ही है कि कोरोना वायरस जो है अभी पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, बहुत सारे कंट्री इसके शिकार हो रहे हैं। हमारा कंट्री इंडिया में भी ये बहुत ही मतलब बहुत सारे रियासतों, बहुत सारे स्टेट्स में ये फैला हुआ है। तो WHO ने कोरोना का ऑफिशियल नाम रखा है COVID-19। अब ये COVID-19 का फुल फॉर्म क्या होता है? COVID-19 CO जो है, जैसा आप देख सकते हैं कि CO के मतलब होता है कोरोना, VI के मतलब होता है वायरस, और D जो है डिनोट्स करता है डिजीज। 19 का मतलब हो जाता है December 2019, बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड इन December 2019। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कोरोना वायरस सबसे पहले कौन सा शहर में पाया गया, डिटेक्ट किस शहर में सबसे पहले हुआ। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले किस शहर में कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ। तो वो चाइना का एक शहर है जिसका नाम है वुहान, उसमें देखा गया। और अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इंडिया के किस स्टेट में कोरोना वायरस सबसे पहले देखा गया, तो उसका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट जो है वो है इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट आरके पचौरी, इनका हाल ही में इनका देहांत हो गया ड्यू टू हार्ट इलनेस। ये जो है 2002 से लेकर 2015 तक चेयरमैन रहे हैं IPCC के। अब ये IPCC है क्या? IPCC का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपको याद रखना है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा मैं बता देता हूँ आपको। पूछ सकता है कि आरके पचौरी हु रिसेंटली डाइड ड्यू टू हार्ट इलनेस बिलोंग्स टू विच फील्ड। तो इसमें हो सकता है आपसे पूछ ले, ए में म्यूजिशियन, बी में स्पोर्ट्स, सी में इन्वायरमेंटलिस्ट, तो इस तरह से पूछ सकता है आपसे। तो आपको याद रखना है कि वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। उसके बाद इंडिया मेन्स हॉकी टीम कैप्टन मनप्रीत सिंह नेम्ड प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2019 बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अभी हाल फिलहाल मनप्रीत सिंह को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 दिया गया है। और ये मनप्रीत सिंह कौन है?
ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। उसके बाद पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह बिकेम द यंगेस्ट प्लेयर टू क्लेम अ टेस्ट हैट्रिक। अभी हाल फिलहाल नसीम शाह ने एक हैट्रिक लिया टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ और वो बन गए सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र खिलाड़ी जिन्होंने हैट्रिक लिया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे, विच इज द यंगेस्ट क्रिकेटर टू क्लेम अ टेस्ट हैट्रिक। उसके बाद बांग्लादेश वॉन आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप आफ्टर डिफीटिंग इंडिया बाय 3 विकेट्स इन साउथ अफ्रीका। अभी बांग्लादेश जो है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी बांग्लादेश ने जीता है इंडिया को हराने के बाद। 2018 में सेम टाइटल जो है इंडिया ने जीता था। यहाँ आपको याद ये रखना है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है हर 2 साल में होता है, लेकिन हम लोग का जो मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है वो हर 4 साल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हो सकता है पूछ ले क्वेश्चन डायरेक्टली कि विच टीम रिसेंटली वॉन अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो आंसर होगा बांग्लादेश। और एट द सेम टाइम यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु वॉन द मैन ऑफ द मैच, हु वॉन द मैन ऑफ द मैच अवार्ड एट द फाइनल। तो आपको ये भी याद रखना है एट द सेम टाइम कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड जो है फाइनल में अकबर अली जीता है जो बांग्लादेश के है। और ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत कि मैन ऑफ द सीरीज यानी मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया, तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए यशस्वी जायसवाल जो कि इंडिया के है। उसके बाद हॉलीवुड लेजेंड एंड वेटरन एक्टर किर्क डगलस पास्ड अवे एट द एज ऑफ 103। जो ऑबिचुअरी जो है बहुत हर साल कुछ बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी मरते रहते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि उनका ताल्लुक किस फील्ड से है। जैसे यहाँ पर पूछ सकता है कि किर्क डगलस हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फील्ड, तो आपको याद रखना है ये कि ये हॉलीवुड के एक्टर रह चुके हैं। जिस तरह हम लोग हिंदी सिनेमा को हम लोग हॉलीवुड बोलते हैं, इसी तरह जो यूएस में जो सिनेमा है उसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी हम लोग इंडियन सिनेमा को हम लोग बॉलीवुड बोलते हैं, तो यूएस में जो है उसको हम लोग बोलते हैं हॉलीवुड, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश बैग्स द फर्स्ट पोजिशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये एक योजना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसकी शुरुआत की है। ये जो है बेसिकली रिलेटेड टू, ये जो योजना है ये मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था 2017 में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कैश ट्रांसफर स्कीम है फॉर प्रेग्नेंट वीमेन ऑफ 19 ईयर्स ऑफ एज और अवर फॉर द फर्स्ट लाइफ बर्थ, जिनकी उम्र 19 साल या उससे ज़्यादा है, अगर वो एक बच्चे को जनते हैं ठीक है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइफ बर्थ चाइल्ड पे उनको कुछ कैश दिया जाता है। तो ये स्कीम में जो है ओवरऑल इंडिया के तमाम स्टेट में ये फॉलो किया जाता है, तो उसमें मध्य प्रदेश जो है एक नंबर पर है। उसके बाद नोवाक जोकोविच, इन्होंने डोमिनिक थियम को हराया है 8 ऑस्ट्रेलियन टाइटल जीतने के लिए। ये नोवाक जोकोविच ये एक टेनिस खिलाड़ी है जिनका ताल्लुक सर्बिया से है। ये अभी हाल फिलहाल इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता जो ओवरऑल इनका 8वां ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना हो, क्योंकि टेनिस टूर्नामेंट में जो ग्रैंड स्लैम जिसको हम लोग बोलते हैं, बेसिकली 4 टूर्नामेंट होता है जैसे विम्बल्डन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको मेन सिंगल में कौन जीतता है, वीमेन सिंगल में कौन जीत रहा है, ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि नोवाक जोकोविच जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल मेल सिंगल जीता है, और अगर बोला जाएगा कि वीमेन सिंगल टाइटल कौन जीता है तो उसका नाम है सोफिया केनिन जो कि यूएसए की है और ये इनका पहला टाइटल है। तो ये तो वह करंट अफेयर। अब इसी से रिलेटेड आपसे पूछेगा ट्रेडिशनल जीके किस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, तो यहाँ पर ये पूछ सकते हैं आपसे कि ग्रैंड स्लैम जो 4 होते हैं उसमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है। तो ग्रैंड स्लैम जो है सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है विम्बल्डन जो स्टार्ट हुआ था 1877। आप देख सकते हैं कि विम्बल्डन जो है स्टार्ट हुआ 1877 में, उसके बाद यूएस ओपन स्टार्ट हुआ 1881 में, देन फ्रेंच ओपन 1891 में एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे आखिर में 1905 में।
तो ये याद रखना है। एट द सेम टाइम ऑफ जब फ्रेंच ओपन की बात आती है तो ये याद रखना है कि बहुत सारा, देखिए ये जो विंबलडन या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन फ्रेंच ओपन खेला जाता है तो ये अलग अलग कोर्ट में खेला जाता है, कोई ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, कोई क्ले कोर्ट में खेला जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक टेनिस प्लेयर है जिनको हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ क्ले। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए विच टेनिस प्लेयर इज नोन एज किंग ऑफ क्ले, तो उनका उसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल, क्योंकि क्ले जो है ये फ्रेंच ओपन जो है क्ले पे खेला जाता है, क्ले कोर्ट रहता है, और राफेल नडाल जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम फ्रेंच ओपन का खिताब उन्होंने जीता है। उसके बाद इंडिया रैंक्स 35th वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर फ्यूचर इंडेक्स। डिफरेंट तरह का इंडेक्स आता रहता है, इंडिया का रैंक एजुकेशन इंडेक्स में 35 है। तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग एक लिस्ट पूरा प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रैंकिंग रहता है इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स पे। तो अभी आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि इंडिया का रैंक वर्ल्ड वाइड एजुकेशन इंडेक्स में 35 है। उसके बाद देखिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको शॉर्ट में हम लोग CSIR बोलते हैं, ये टॉप किया है नेशनल रैंकिंग इंडेक्स 2020 में। तो जस्ट आपको याद रखना है कि नेशनल रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है, तो CSIR याद रखना है। उसके बाद देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर फ्यूचर इंडेक्स का, इसी तरह एक और इंडेक्स है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक 77 है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने का नहीं, जस्ट रैंक आपको याद रखना है। उसके बाद चाइना और सऊदी अरबिया जो है ज्वाइन किया यूएसए, इंडिया और अदर यूरोपियन कंट्रीज को इंपोर्टिंग पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये जो है ग्रे लिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट तरह का लिस्ट होता है, जैसे ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का लिस्ट में अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका मतलब होता है कि पाकिस्तान के ऊपर अभी मॉनिटरिंग और भी बढ़ा दिया जाएगा। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है जिस कंट्री के ऊपर मॉनिटरिंग बढ़ जाए, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा कंट्री को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रिसेंटली ग्रे लिस्ट में डाला है, तो आपको याद रखना है इसका आंसर पाकिस्तान होगा। उसके बाद 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव बाय यूनियन कैबिनेट, द कमीशन हैज बीन अप्रूव फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। अभी हाल फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22nd लॉ कमीशन अप्रूव किया है, तो आपको याद रखना है कि ये मतलब कितने सालों के लिए अपॉइंट हुआ है। और एट द सेम टाइम आपको ये याद रखना है कि 21st, इससे पहले जो लॉ कमीशन था 21st, उसके जो है चेयरमैन थे बलबीर सिंह चौहान, यानी BS चौहान। तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट जो है इंडिया का जो है पहला एयरपोर्ट बना है जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोहिउद्दीन यासीन इज अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ मलेशिया। अभी जो है ये मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहिउद्दीन यासीन, तो आपको एट द सेम टाइम याद रखना है। इससे पहले जो PM थे मलेशिया का, उनका नाम था महाथीर मोहम्मद, उन्होंने हाल फिलहाल अपना रेजिग्नेशन दिया। एट द सेम टाइम आपको याद रखना है ट्रेडिशनल GK के लिए कि हु इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ये याद रखना है कि महाथीर मोहम्मद जो है वो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी एज थी 94 years। एट द एज ऑफ 94 ही बिकेम द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद मारिया शारापोवा अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस एट द एज ऑफ ओनली 32। तो ये भी याद रखना है आपको, इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच टेनिस प्लेयर रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, तो याद रखना है आपको आंसर मारिया शारापोवा। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि मारिया शारापोवा हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो एट द सेम टाइम आपको याद रखना इनका ताल्लुक रशिया से है। उसके बाद इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे फॉर्मर होस्नी मुबारक, इनका भी हाल फिलहाल इनका भी डेथ हो गया है, तो इनको याद रखना आपको। क्वेश्चन पूछ सकता है कि होस्नी मुबारक हु रिसेंटली डाइड वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो आपको याद रखना है इजिप्ट। उसके बाद है मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, अभी हमने कुछ देर पहले मैंने बताया महाथिर मोहम्मद के बारे में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट
2019 compiled by IQ Air, गाजियाबाद इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड. अगर IQ Air की बात करें हम लोग तो ये इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट निकाला है जिसमें गाजियाबाद को मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड दिया गया. तो ये याद रखना है आपको कि क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से कि IQ Air के हिसाब से एज पर द IQ Air विच सिटी इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड. तो आंसर इज गाजियाबाद. नेक्स्ट, श्रीलंका विदड्रॉ फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल. अभी रिसेंटली श्रीलंका ने नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल से अपना जो है नाम वापस लिया है और वो विदड्रॉ कर लिया मेंबरशिप से. तो ये याद रखना आपको. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट आस्क दिशा. ये आपको याद रखना है कि इंडियन रेलवे ने हाल ही फिलहाल एक चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम है आस्क दिशा. जितने भी रेलवे पैसेंजर है उनको कोई भी क्वेरी अगर है तो आस्क दिशा से पूछ सकते हैं और उनका क्वेरी का समाधान यानी हल या सॉल्यूशन बताया जाएगा. तो आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि इंडियन रेलवे ने हाल फिलहाल जो चैटबॉट लॉन्च किया उसका नाम क्या है. तो जस्ट उसका नाम है आस्क दिशा, याद रखना. नेक्स्ट, नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली. इसमें आपको जस्ट याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, न्यू दिल्ली. सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली. ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस अभी कहाँ हुआ है. उसके बाद पाकिस्तान टेस्ट फायर 600 किलोमीटर रेंज राड 2 मिसाइल सक्सेसफुली. तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि अभी जो है किस कंट्री ने राड 2 मिसाइल लॉन्च किया है. तो आंसर होगा पाकिस्तान. या क्वेश्चन को कुछ घुमाकर भी दे सकता है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली 600 किलोमीटर रेंज मिसाइल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है. तो उसका नाम होगा राड 2. उसके बाद आते हैं 14,100 टन्स ऑफ रेयर मेटल लिथियम रिजर्व फाउंड इन मांडिया. कर्नाटका की एक जगह है जिसका नाम है मांडिया, वहां पर अभी 14,100 टन्स ऑफ लिथियम डिस्कवर्ड हुआ पाया गया. तो लिथियम के बारे में आपको ये याद रखना है कि लिथियम जो है सबसे लाइटेस्ट मेटल है एट द सेम. ये हो गया आपका ट्रेडिशनल जीके, ये सब में पूछ सकता है आपसे कि विच इज द लाइटेस्ट मेटल. तो आपको याद रखना लिथियम.